केरला में हो रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको कवर आउट करेंगे और एक दो बार और मिलेगा ये हमें टॉपिक तो घबराने की बात नहीं ये पहला एस्पेक्ट है जहां पर इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके आगे भी ये डिस्कस होगा और एक से दो बार और होने वाला है सो इट इज प्रायर इंफॉर्मेशन टू यू ऑल द अनकंट्रोल्ड एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट ये टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है द अनकंट्रोल्ड एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट क्या होता है जब सैटेलाइट का काम हो जाता है तो वैट दे टेंड कि वो वापस कम होते हैं अर्थ पे तो वो अनकंट्रोल्ड होता है वो तो कहीं भी जाके गिर सकता है उसी के बारे में है क्या कन्वेंशन सबसे रिलेटेड ये थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक है जैसे क्लैट ऑफ बीट जाता है कभी कभार हम भी ऑफ बीट चले ही जाते हैं राइट तो इतना ऑफ बीट जाना हमारा बनता भी है तो देखते हैं इसमें क्या है दिस इज एमएसपी फॉर कॉटन बट फॉर्मर्स मोर देखिए कॉटन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है बट फार्मर्स स्टिल चाहते हैं कि ज्यादा मिले सर ये कहाँ से हो गया जीके अरे है जीके भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखना होगा हमें और कॉटन कॉटन से रिलेटेड इस साल भी दो न्यूज आई थी एक तो बीटी कॉटन और एक आज आई है कि कॉटन के बारे में थोड़ा सा भी हम इसमें जान लेंगे थर्ड इज बापू ऑब्जर्वेटरी इस टाइप के टॉपिक्स हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्लैट एम एच सेट डी यू एनी एग्जामिनेशन हर जगह इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट स्कीम्स अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोसेस इंग्लिश भी देखते रहना है इंग्लिश पे फोकस रखना है साथ साथ में है ना क्योंकि इस बार पता चला है जिन लोगों ने क्लैट दिया उन्हें पता चल गया होगा और जो रीअपियर करने वाले और जिन्होंने नहीं किया अपने सीनियर से पूछना की क्लैट में कितनी रीडिंग आती है क्लैट हो आईलेट हो रीडिंग इज द की एक्सेप्ट जीके सेक्शन अगर जीके में आप थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी पढ़ी लिखी पकड़ है आपकी तो आप कर जाओगे आसानी से बट वेन इट कम्स टू द इंग्लिश एंड रीजनिंग मुश्किल है बॉस और बहुत मुश्किल है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये है केरला गवर्नमेंट हैवर्नमेंट मैप फॉर द पीपल सीक दीपल्स फ्रॉम दस जेड देखो एक तो ये जोन है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन थोड़ा सा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के बारे में बात करते हैं हम उसके बाद थोड़ा सा इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो ये है ई एसड डेट इज द इको सेंसिटिव जोन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया एक किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अगर मान लीजिए कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है राइट प्रोटेक्टेड एरिया से मेरा क्या मतलब है कि यहां पर नेशनल पार्क हैं, है ना बायोस्फेयर रिजर्व है बायोस्फेयर रिजर्व है और भी बहुत सारी चीजें हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो ऐसी ऐसी चीजें हैं इस पर्टिकुलर रीजन के इस पर्टिकुलर रीजन के एक किलोमीटर के एरिया को आप ई एस जेड डिक्लेयर करेंगे दैट इज द इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अब इससे फायदा क्या होगा तो ये काम करेगा आपका एज अ शॉक ऑब्जर्वर शॉक ऑब्जर्वर सर ये शॉक ऑब्जर्वर का क्या सेंस हुआ ये पेपर में लिखा भी हुआ शॉक ऑब्जर्वर नाम का वर्ड देखो शॉक और ऑब्जर्वर वो चीज होती है जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर इस एरिया हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं इस एरिया में अगर ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं तो ये तो भाई ये तो बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है बायोस्फेयर रिजर्व्स है तो अब क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर लोग आएंगे ह्यूमन इंट्रेक्शन होगा तो ह्यूमन इंट्रेक्शन का सबसे बड़ा आस्पेक्ट क्या है डेवलपमेंट जहां भी ह्यूमन रहेगा वहां पे विकास होगा और डेवलपमेंट होगा तो यानी वहां पर माइनिंग्स होंगी माइंस एस्टेब्लिश की जाएंगी इंडस्ट्रीज बनेंगी और जब ये सब आएगा तो आएगा पॉल्यूशन पॉल्यूशन एंड अदर आस्पेक्ट यहां पे जुड़ेंगे अब जब इतना सारा काम होगा तो ये जो एरिया है वो थ्रेटन हो जाएगा थ्रेटन हो जाएगा और ऑर्गेनिजम्स और को प्रॉब्लम होगी सरवाइव करने में तो डेट्स फायर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक किलोमीटर का प्रोटेक्टेड एरिया किया जाए एंड दिस इज मिनिमम दिस इज मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए सर ये मिनिमम लिमिट है इतना होना चाहिए और ये जा सकता है आपको मैक्स दस किलोमीटर तक और ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एमओ एफ ने इस चीज को बताया अब एक कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ठीक है तो ये एक से दस तक ये रेंज जाती है तो ये रेंज देख लेते हैं ये है इतनी रेंज ये रेंज याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखेंगे जिसमें वो रिट पिटीशन था बेसिकली और रिट आपको आर्टिकल थर्टी टू में फाइल किया गया था जिसके लिए ये पूरी कहानी चली आई होप कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड इफ हैव एनी डाउट जस्ट द कमेंट द अपकमिंग सेशन तो इतना समझ गए चलिए अब बहुत आसानी होगी इस चीज को देखने में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसने एक एक किलोमीटर का वो रेंज ही डिसाइड कर दिया और उन्होंने एक काम किया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लव कलर कोडिंग कर दिया कलर कोडिंग किया कि रेजिडेंशियल स्कूल्स इंडस्ट्रीज कौन कौन से कलर से उन्होंने बताया कि भाई देख लो तुम तुम इस एरिया में आते जैसे देख रहे हो ये रेड है ये पिंक है ये ग्रीन है इस तरह से और दो तीन कलर है जिसको हम लोगों ने आगे मैंशन किया है सो लेट्स वॉच इट फाइनली चलिए आप देखते हैं इसमें क्या है इको सेंसिटिव जोन आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा एज पर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ दो, दो से 16 इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एववायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लैंड विद इन टेन किलोमीटर ऑफ ऑफ बाउंड्रीज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी नोटिफाइड एज द इको फ्रजाइल जोन या फिर इको सेंसिटिव जो दस किलोमीटर का मैक्सिमम तो दस किलोमीटर के अंदर में जो भी इसके लैंड्स आएंगे वो इको सेंसिटिव जोन होंगे या फिर फ्रजाइल जोन होंगे ठीक है और ये सेंसिटिव ये कॉरिडोर्स बनाया गया सेंसेटिव कॉरिडोर्स की ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स अब इको सेंसिटिव वही चीज से सुप्रीम कोर्ट का केस ही है ये तमिलनाडु गोडावर्मन थिरुमु त्रिमुल यूनियन ऑफ इंडिया ये पूरा केस है ये याद रखना ये एक आइडिया रखना ये केस का ये बेसिकली आपको रिट पिटीशन था दोनों का टॉपिक है वो क्लैट ने पूछा था तो तीन पैसेजेस थे जिन्हें नहीं भरोसा एक बार वीडियो देखो और क्लैट की वीडियो से क्लैट के क्वेश्चन पेपर से मैच कराना उसको ना मिले तो बताना तो उसमें बहुत अच्छे से वो तीन टॉपिक्स

फॉरेस्ट एरिया को ग्रीन से मार्क किया वो बहुत ऑब्वियस है कि फॉरेस्ट एरिया को हम ग्रीन से ही मार्क करेंगे आगे देखते हैं भाई देखो प्रपोज बफर जोन बफर जोन मतलब प्रपोज बफर जोन जैसे मान लो कि अगर एक किलोमीटर का बफर जोन प्रपोज किया गया है तो टोटल रेंज कितना है एक से दस किलोमीटर का बफर जोन प्रपोज किया गया है तो उस जोन को जैसे मान लो कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया को बफर जोन बताया गया है तो अब इस बफर जोन का कलर क्या होगा पिंक इस बफर जोन का कलर होगा पिंक कमर्शियल बिल्डिंग्स को रेड को ब्लैक रिलीजियस प्लेसेस को येलो एजुकेशन को ब्लू और रेजिडेंशियल को वायलेट बहुत आसान एक बार बैठोगे याद करने आई होप कि ये सारे याद हो जाएंगे या एक बार बैक ऑफ द माइंड रखोगे फिर भी याद हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? सो नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ दी सैटेलाइट तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं उसके बाद फिर हम इस कॉन्सेप्ट आ जाएंगे देखो तो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट वो चीज होती है जैसे कि इसको इमेज के थ्रू समझते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिर चलिए लेट सपोज कि ये आपका बेसिकली एक सैटेलाइट है इसको नाम दे देते दे हैं एस वन ठीक है ये सैटेलाइट है इसको जाना था इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ठीक है ये इस ऑर्बिट में आ गया है ना इस ऑर्बिट में आ गया अब इस ऑर्बिट में इसका काम था एक साल का इसने अपना काम पूरा किया तो दो सिचुएशन होते हैं या तो ये वापस अर्थ में एंटर करेगा ठीक है और इंडियन ओशन हो गया मॉलदीव्स हो गया इंडोनेशिया हो गया या अमेरिकन क्लेटी हो गया उस पर यह जाए गिरेगा कहीं ना कहीं तो क्या होगा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी तो दो चीजें हो सकती है अगर नीचे गिर गया तो मान लो किसी घर पे गिर गया तो तो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी सर प्रॉब्लम कैसे देखो जब आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बार शायद रेफ्रिजरेटर साइज का कुछ गिरा था गैसियस एलिमेंट्स तो जिसके कारण जो केमिकल लोचा होता है वो हो जाता है है ना वो गाना सुना है ना लोचा है उल्फत वैसे होता है तो केमिकल लोचा होगा और केमिकल लोचा का मतलब मेरा ये है कि जो उस गैशियस एलिमेंट में जितने गैसेस प्रेजेंट होंगे वो अर्थ के एनवायरमेंट में रिलीज होगा अब जो रिलीज होगा तो ओथरी को हार्म करेगा और ग्रीन हाउस गैसेस का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वैसे भी एनवायरमेंट पहले हम लोग बहुत करते तो ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है और एक है डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी अच्छा ये मान लो कि अर्थ पे नहीं आया अब अर्थ पे नहीं आएगा तो ये कहाँ रह जाएगा कहीं ना कहीं तुम्हें स्पेस में ही ये डिस्ट्रॉय होगा है ना स्पेस में डिस्ट्रॉय होगा स्पेस में डिस्ट्रॉय होगा अब स्पेस में डिस्ट्रॉय होने की एक चीज और है वो बताएंगे आगे अभी इस साल हुआ भी है तो स्पेस में डिस्ट्रॉय होगा तो क्या क्रिएट होगा इसे हम कहते हैं स्पेस डेब्रिस ठीक है मलवा स्पेस में कुछ जैसे मान लो कि वहां डिस्ट्रॉय तो वहां फैल गया पूरे में अब वहां फैलेगा तो प्रॉब्लम होगी सैटेलाइट्स की तो सैटेलाइट्स की प्रॉब्लम होगी तो इसमें क्या है कि आगे फिर डेब्रिस होगा फिर सेटेलाइट होगी वहां टकराएगा तो दस तरह का क्रिएट होगा अच्छा इससे रिलेटेड रिलेटेड ना स्पेस से एक एक और टर्म था DART. DART था डार्ट डार्ट ये मिशन नासा नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था डेट वॉज डार्ट डार्ट में ये क्या करते थे कि जैसे कोई एस्टेरॉयड है अगर वो अर्थ में एंटर करने वाला है इससे प्रॉब्लम हो सकता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता था ठीक है इसके साथ लीना भी था और इससे रिलेटेड क्लैट के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आए थे तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं अब इसमें क्या क्या फैक्ट्स अच्छा है। इसमें ऑर्बिटल्स का बात की गई है तो सो आई जस्ट थॉट कि इसको मेंशन कर ही दिया जाए तो देख लो एक बार अच्छा ये देखो तीन चार ऑर्बिट्स होते हैं बेसिकली एक होता है लियो लियो का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट ठीक है लोअर अर्थ ऑर्बिट का सबसे बड़ा इशू क्या होता है मोस्ट ऑफ द सेटेलाइट छह हजार सात यहीं पर रहते हैं तो प्रॉब्लम है, है ना उतना नीचे आएगा तो एनवायरमेंट और प्रॉपर्टी दोनों ही बराबर से डैमेज होंगे उसके बाद आता है नाम याद रखने में क्या जरूरी है तुम्हें तुम इनका ऑर्बिटल एल्टीट्यूड याद रखो ठीक है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी मन फिड़ गया एग्जामिनर को तो पूछ लेगा तो देख ही लो दोस्त बारह सो बारह सो से पैंतीस हजार सात सौ नब्बे फिर इसका पैंतीस सात सौ नब्बे

तो ये बातें ये याद रखना छोटी सी बात थी सो आई थॉट कि इसमें ऐड कर दिया जाए चलिए व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रॉकेट लॉन्च अब रॉकेट लॉन्च की स्टेजेस होती हैं तो अब देखो स्टेजेस में क्या होता है ना ये देखो ये यहाँ से समझते हैं ये थोड़ा सा अगर डायग्राम वाइग्राम बना के समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है चीज़ देखिए जैसे अगर ये रॉकेट है ठीक है तो इसको हम तीन चार पार्ट में बांट देते हैं एंड माई ड्रॉइंग इज वेरी फेबुलस तो प्लीज पार्ट मी अब जैसे ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा इसका एक पार्ट टूटेगा फिर दूसरा टूटेगा फिर तीसरा टूटेगा फिर चौथा टूटेगा ये टूट के तो डिस्ट्रॉय होता है और डिस्ट्रॉय होगा तो वो नीचे गिरता है तो नीचे गिरेगा अगर ओशन वगैरह में चला गया तो बेटर लक और नहीं गया तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसको भी ध्यान में रखा गया इस बार ये बात की गई इसमें कि मोस्ट ऑफ देम लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहता है एंड प्लेस इज मोर देन द नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्चेस सर्जिंग विद द एडवेंट ऑफ री रॉकेट स्टेजेस अब इंटरनेशनल इवेंट्स और एग्रीमेंट्स क्या है इस पर्टिकुलर चीज पे कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है बट कुछ कुछ बातें हैं कन्वेंशन कन्वेंशन स्पेस ऑफ है जिसमें बताया गया इट डिफाइंस हैसिबिलिटी इन केस स्पेस ऑब्जेक्ट कॉजेज हार्म अगर कोई स्पेस ऑब्जेक्ट हार्म करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी जैसे इस बार कोप ट्वेंटी सेवन में क्या हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया कि जो लॉस करेगा जो डैमेज करेगा वो ही पैसा देगा वैसे यहाँ पर है रेस्पॉसिबिलिटी उसी को दिया जाएगा जो कि हार्म करेगा एक ट्रीटी हुआ कन्वेंशन प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेजेस ठीक है खाली जगह पर गिर गया था सोवियत तो यूनियन और सेटलमेंट देना पड़ा था कैनेडा गवर्नमेंट को ये दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक बार देखो इट इज वेरी नाइस राइट ये कन्वेंशन याद रखना लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ नाइनटीन सेवन अच्छा इसी चीज से रिलेटेड है ये, ये आइडिया नासा ने प्रपोज किया था नासा के एक था, केसलर, 1978 में। इन्होंने कहा था कि स्पेस जंक बहुत है ऑर्बिट में तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को लाइट करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से डार्ट रिलेट होता है कही कहीं ना कहीं जैसे क्लैर्ट ने इस बार भर पुरापुराना पूछ दिया था भाई जाकर के नोबेल प्राइज के बारे में दो का पूछ दिया था इक्कीस का पूछा है तो ऐसी ऐसी चीजें पूछे जा सकती हैं इसका फाउंडेशनल है और कैसलर ने कहा था कि ये collision escalating कहा जाता है इसको ऑर्बिट बिगेन टू एक्सप्लोर क्रिएटिंग शार्पनेल क्लाउड सो ये प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है इनके तो उसके लिए देखा जाता है स्पेस लेवलिटी कन्वेंशन देख ही लिया हम लोगों ने अच्छा यूएस ने इस रिलेटेड एक काम किया था ओडीएमएसपी

कॉटन के प्राइसेस है जो एमएसपी है वो क्विंटल मिलता है आठ पिछले साल यही चीज मिली थी तो कम है है एमएसपी से ज्यादा लेकिन वैसे कम है तो फार्मर्स जो है वो बोल रहे हैं कि भाई पैसा लाओ ज्यादा और तभी तो हम प्रोडक्शन भी कर पाएंगे नहीं तो हम खास करेंगे तो कॉटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो खरीफ क्रॉप कम्स फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर नेटिव टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन सर कौन सा रीजन है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर एजेंसी जो है आई वो भी इसी रीजन में देखो ये रहा अर्थ ठीक है ये रहा ट्रॉपिक ये रहा आपका ट्रॉपिकल जोन इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं ये रहा जीरो डिग्री इक्वेटर ये रहा आर्कटिक सर्कल ये रहा अंटार्कटिक सर्कल ठीक है अच्छा ये जो जोन है ना ये ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन ठीक है यह याद रखना यह सूर्यपुत्र कंट्री है जो इंडिया ने कहा था ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट की फ्रांस में जो हुआ था उसमें कहा था इंडिया ने आई एस ए बनाया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बताइएगा आई एस ए किस ईयर में बना था चलिए तो देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या है हमारे वेट हाँ तो खरीफ क्रॉप के बारे में देख रहे थे तो टोटल फाइव लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है खरीफ क्रॉप का कंट्रीज चाइना इंडिया यूएस एंड ब्राजील पाकिस्तान और रिन्यूएबल एंड बायोडिग्रेडेबल कॉटन इज द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली कॉटन प्लांट्स हैव अ लार्ज ग्रोइंग पीरियड और ये 200 दिन तक एक्सटेंड होता है ऐसी छोटी छोटी ज्योग्राफी की बातें हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा ग्रोइंग कॉटन दिसंबर से मार्च के बीच में होता है आइडियल टेम्परेचर इक्कीस से तीस डिग्री सेल्सियस अच्छा इसकी सबसे खास बात है ना ये जेरोफाइट होता है ये जेरोफाइट मतलब इसको पानी की जरूरत ही पड़ती उतनी जैसे कैक्टस कैक्टसाइट का काइंड ऑफ ठीक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इंडिया एज अ कंट्री टू ग्रो ऑल फोर स्पीसीज ऑफ कॉटन डेट इज जी आरबोरियम हार्बेरियम बारबेर एंड हेरेस्टम ये ये चार तरह के कॉटन है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है तो डेट इज इंटरेस्टिंग थिंग टू सी हियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बीटी कॉटन के बारे में आया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो जीएम क्रॉप में इंडिया हैज कमर्शियल हैल्टिबिलिटी ऑफ ओनली वन क्रॉप एक बीच में भी चला था कि सरसों के बारे में बट वो इतना सक्सेस रहा नहीं है भी बताइएगा वो दूसरी थी एंड स्टडी फैलकॉन को ये क्रेडिट जाता है भाई फोटो का फिर इसके बाद बीटी कॉटन जो है अप्रूव कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ओनली वन जीएम क्रॉप दैट इज द बीटी कॉटन तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक ही अभी सक्सेस में है अप्रूव्ड है दैट इज द बीटी कॉटन बट एक और हुआ था अभी रिसेंटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ना आए तो भी पूछिए आई श्योरली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन चलिए ये आया है नया ऑब्जर्वेटरी भाई वाइनी बापू ऑब्जर्वेटरी इंडिया का चौथा पांचवा ऑब्जर्वेटरी है इससे पहले हेलन हेल्ला भी है तो उसको भी हम देखेंगे इसमें तो फोर्टी इंच का टेलीस्कोप है वाइना बापू ऑब्जर्वेटरी हाईलाइटेड फोर्टी ईयर ऑफ फिफ्टी ईयर सेलिब्रेशन तो देखते हैं क्या है कहा लोकेटेड है तो ये लोकेटेड है आपको जवादी हिल्स कवालूड तमिलनाडु में ठीक है फोर्टी इंच का टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया था 1972 में इसके पचास साल हो गए द टेलीस्कोप इन द ऑब्जर्वेटरी इज अंडर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ये आता है वही नहीं बापू कौन थे भाई इंडिया के एस्ट्रोनॉमर थे ये उनके ही नाम पर रखा गया है और रिंग्स प्रेजेंट है प्लान डिस्कवर लाइक रिंग्स प्लैनेट यूरेनस के अराउंड जो रिंग्स है, उसके बारे में इन्होंने बताया सैटेलाइट ऑफ यूरेनस के बारे में बताया और बताया कि एटमोस्फेयर उसके अराउंड भी प्रेजेंट है तो ये इनकी खास बातें थी आगे देखते हैं इसमें क्या अदर ऑब्जर्वेटरीज एक आपको सोलर ऑब्जर्वेटरी है आपको कोडिकोनल तमिलनाडु में फिर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में है उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में ही होगा फिर उसके बाद गुरबिंदर रेडियो ऑब्जर्वेटरी कर्नाटका में है तो ये चार है ये पांचवा आपका नया मिल जाएगा आपको कि जो उसका पचास साल हो गए नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वैक्सीनेशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड है सर्वाइकल कैंसर ठीक है यह सर्विकल कैंसर सर्विकल कैंसर होता है कहां पे से? देखो ये बेसिकली ये फीमेल्स में ही होता है इसलिए गर्ल्स को ही नाइन टू फोर्टीन ईयर्स के जो एज में बीच में गर्ल्स है उनको इसका वैक्सीन दिया जाएगा और जो गर्ल्स अगर गलती से जो बच्चे मिस कर जाते हैं इसको तो उनको हेल्थ कैंप में दे दिया जाएगा ये वैक्सीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजेबल अगर आपके भी आसपास कोई हो तो आप उनको अवेयर करवाएं अवेयरनेस प्रोग्राम इज वेरी नेसेसरी अब सर्वाइकल कैंसर इंडिया में वन ऑफ द इंडिया एक मतलब सेकेंड थर्ड नंबर पर ही आता है इस कैंसर में एंड इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि ये ये जो बेसिकली ये जो कैंसर है वो ओवरी काइंड ऑफ कैंसर है और ओवरी रीजन्स में ये कैंसर होता है ठीक है तो देखेंगे इसको अच्छे से अभी क्या क्या है अबाउट द सर्वाइकल कैंसर बर्थ कनाल वेजाइना के पास होता है इंडिविजुअल सर्विक्स पैसेज डेट कनेक्ट द वेजाइना बर्थ कैनाल तो बेसिकली बर्थ कैनाल और जो वजाइना होता है जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं उसके ही आउटर मोस्ट पार्ट पे कैंसर हो सकता है देर आर पॉसिबिलिटी टू द अपर पार्ट ऑफ यूटरस यूटरस के अपर पार्ट एंड बर्थ कैनल के पास ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन देखो फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर और इसमें भी एक है ब्रेस्ट कैंसर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो रिलेटेड एक दवाई बनाई है न्यू तो वैक्सीन तो का नाम आपको याद होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ठीक है एचपीवी वैक्सीन के अंदर आता है ये इसके दो डोजेज दिए जाएंगे और कोई बूस्टर वोस्टर डोज नहीं है इसका द एंटीबॉडीज आफ्टर बोथ आर एडमिशन लास्ट अपर सेवन ईयर वेरी नाइस क्योंकि वो ग्रोइंग एज होता है तो कॉमन कि तो को, को कितना है तो लार्जरी प्रिवेंटेबल है सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया भाई ये बात और ये एचपीवी के कैटेगरी में आता है स्ट्रेंस ऑफ ह्यूमन पैपिलोम

ये बेसिकली ये पूरा आर्टिकल है इन्होंने लिखा है बट व्हाट आई थॉट कि इन्होंने सब चीज़ बताया है इंडिया का एक पोजिशन बताया 1996 में इंडिया ने ग्लोबल टेररिज्म के लिए किया था कि ये खत्म किया जाए सबको साथ आना पड़ेगा एक कन्वेंशन साइन करना पड़ेगा बट इन्होंने एक चीज मिस की अ साइबर अटैक और साइबर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ी एक उभरती हुई चीज है तो आप उसको बैक ऑफ द माइंड लेकर चलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल उसमें बहुत काम आएगा और ये क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द ये सबसे ईजीएस्ट आर्टिकल है अभी तक का

अच्छा देख अभी हम बता रहे थे ना कि ये सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दिस इज अगेन इस फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन है तो बताना इसका आंसर सो so, आज के लिए इतना ही एंड यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन आज श्योरली ट्राई टू एड्रेस इट थैंक यू दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड